समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वही आपको बता दें, सपा की सामाजिक न्याय एवं प्रजातंत्र बचाओ देश बचाओ साइकिल रैली में उन्होंने सैफई के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 2019 के चुनाव में यदि बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब नहीं हुए तो हम सभी को पकौड़े बेचने पड़ेंगे। पीएम कहते हैं कि नाली से गैस निकलती है जो लोगों को रोजगार देती है। एक तरफ तो हम समाजवादी लोग एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि नाली कहीं दिख जाए वहीं आग लगा लेना और वहीं पकौड़ा बनाने का काम कर लेना। सोचो किधर ले जाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग आगे ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे खींचना चाहते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, 2019 हमारे आपके लिए अच्छा है, लेकिन यदि एक संसदीय चुनाव में हम और आप कामयाब नहीं हुए तो ढूंढ लेना एक नाली और कढ़ाई जिस पर पकौड़े बनाने का काम हम मिलकर करेंगे। और अगर हम और आप लोग सफल होंगे तो लोकतंत्र बचाने वाली भी यात्रा हमारी आपकी सफल होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो यहाँ से शुरू हुई है वह रुकने वाली नहीं है, यात्रा दिल्ली तक जाएगी। अखिलेश ने कहा, बीजेपी न केवल देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है बल्कि इसको खत्म करने में जुट गई है, इसलिए हमारी ये यात्रा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा, बेशक मुख्यमंत्री अपने आप को बहादुर बताते हों, लेकिन इटावा सफारी का उद्घाटन करने के दौरान उनकी हिम्मत हमारे शेरों के सामने जाकर करने की नहीं पड़ी, केवल एक समारोह में पट्टिका के माध्यम से शुभारंभ कर दिया। और सोचो, हमें तो पता लगा है कि मुख्यमंत्री जरूर आए थे लायन सफारी का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी शेरों के सामने जाने की। हमारे पत्रकार साथी बताएं, क्या शेरों के सामने गए थे कि नहीं गए थे? और शेरों के सामने जाने के लिए हिम्मत चाहिए। हिंदी से जानना चाहते हैं कि हमें शेर से डर ना लगे तो कौन सी हनुमान चालीसा की लाइन पढ़ें, वो हमें भी बता दो। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। तो ऐसे में कहा जा सकता है अखिलेश यादव ने भी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।